वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप आज से 2 दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ में एक पोल किया था, जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है किस टॉपिक पे चाहिए। तो 70% लोगों ने उसमें बोला कि हमें एक्ने, मार्क्स एंड डार्क स्पॉट्स को रिमूव करना है। 200 लोगों ने अपने सुझाव दिए थे, उसमें से 70% लोगों का ये कहना है कि भाई हमें अपने डार्क स्पॉट्स को रिमूव करना है। एक चीज मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डार्क स्पॉट्स, एक्ने स्कार्स एंड पिंपल मार्क्स को रिमूव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, एंड ये जो चीज है ये टाइम लेती है। ठीक है, कोई ऐसी ट्रिक या टिप नहीं है कि आप आज कुछ लगाएं और सुबह उठे तो वो चीज एकदम क्लीन हो जाए। ऐसा कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा अवेलेबल नहीं है इंडियन मार्केट में, अभी की डेट में इंडियन मार्केट ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनसे कि आप अपना जो एक्ने स्कार्स का जो रिकवरी है, जो आपका जो हीलिंग जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर सकते हो। सो कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। सो जो लोग सीरियस हैं वो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिकॉज यहां पर मैं आपको 3 से 4 प्रोडक्ट बताने वाला हूं, और अगर आप उनको कंबाइंड यूज करते हो तो सिर्फ 2 हफ्तों में आपके सारे एक्ने स्कार्स जो है रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, काम की होने वाली है। चैनल पे पहली बार आ रहे हो, इस चेहरे को पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज यहाँ पर तुम्हें एक्ने, पिंपल्स एंड डार्क स्पॉट्स से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो। प्रोडक्ट्स के बारे में सीधा बताने से पहले बहुत सारे लोगों एक मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं कि भाई ऐसी कोई क्रीम बता दीजिए जिससे हमारे डार्क स्पॉट चले जाए। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितनी भी क्रीम्स अवेलेबल है इंडियन मार्केट में, बहुत सारी क्रीम्स ऐसी हैं जो कि बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करती हैं, बहुत सारी क्रीम्स ऐसी हैं जो आपकी स्किन में ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होती हैं, बहुत सारी क्रीम्स ऐसी हैं जिनकी वजह से आपको जो है एक्ने हो जाते हैं। ठीक है, तो क्रीम्स के ऊपर आप ना जाइए, आप यूज कीजिए सीरम्स, बिकॉज सीरम्स आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन रिजल्ट्स आपको बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मिलने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहला प्रोडक्ट है सैलिसिलिक एसिड 2% आपका सीरम। ठीक है, अब मैं सीरम की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज सीरम के अंदर जो चीजें होती हैं, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और एकदम से आपकी स्किन में पूरी तरह से एब्जॉर्ब होते हैं, जिससे कि आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोई क्रीम, कोई फेस वॉश, तो वो क्रीम सबसे कम जो है इफेक्टिव होती है, उसके बाद फेस वॉश, उसके बाद में जो होता है सीरम, क्योंकि सीधा डायरेक्टली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, वो भी बहुत जल्दी से। ठीक है, तो कोई भी ब्रांड का आप सैलिसिलिक एसिड 2% जो है सीरम खरीद सकते हैं अपने डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए। सबसे बेस्ट जो भी इंडिया में अवेलेबल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, जो लोग परचेस करना चाहते हैं वो कर लीजिएगा। ठीक है, इंग्रेडिएंट बता दिया मैंने सैलिसिलिक एसिड 2%। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको सैलिसिलिक एसिड से एलर्जी होगी, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, हो सकता है उनको एलर्जी हो, तो आप यूज कर सकते हैं आर्बुटिन 5% सीरम आता है, मिनिमलिस्ट का आता है और उसके अंदर नियासिनामाइड भी आता है, तो आप उसको परचेस कर सकते हो, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम बात करते हैं कि आपको फिर दूसरा जो प्रोडक्ट है वो क्या यूज करना है। आपको यूज करना है एक ओमेगा 3 सप्लीमेंट। अब ओमेगा 3 सप्लीमेंट फिश ऑयल है मेरा, उससे मतलब अब फिश ऑयल बहुत सारे लोग जो है नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो कंज्यूम नहीं कर सकते हैं फिश ऑयल, तो आप ले सकते हैं फ्लैक्सीड ऑयल। वाओ का पूरे अभी इंडिया में सबसे बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, तो आप वाओ का परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप उसे परचेज कीजिए, उसको यूज करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, इसका रीजन क्या है फिश ऑयल को यूज करने का, देखो फिश ऑयल के अंदर होता है ओमेगा 3, ये आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन की क्वालिटी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, और ये आपकी स्किन को जल्दी रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको यूज करना है सैलिसिलिक एसिड 2% सीरम, उसके बाद आपको यूज करना है ओमेगा 3। ओमेगा 3 यूज करने का सबसे बेस्ट टाइम है रात को अपने डिनर के बाद में पानी के साथ में ले लीजिएगा। ठीक है, 1 ग्राम आपको लेना होता है। अगर आपके कैप्सूल के अंदर जो है EPA DHA का रेशो जिस अकॉर्डिंग है, आप उस अकॉर्डिंग जो है इसको ले सकते हो। ठीक है, आपको उस आपको खुद से इम्प्रोमाइज कर लेना है ये चीज, आपको 1 ग्राम लेना होता है। अब 1 ग्राम के 3 कैप्सूल भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके फिश ऑयल में सिर्फ 1 कैप्सूल के अंदर EPA DHA जो है 1000 mg हो, वो आप जो है देख सकते हैं। थर्ड चीज की हम तरफ हम चलते हैं कि आपको जो है कंज्यूम क्या करना है। ठीक है, तो ये चीज तो हो गई कि आपने सीरम लगा लिया, ये आपने खा ली, अब आपको डेली जो अपनी डाइट है उसको भी फिक्स करना पड़ेगा। तो डाइट के अंदर आपको जो है क्या करना है, प्रोटीन रिच फूड्स खाने हैं, साथ ही साथ विटामिन ए रिच फूड्स खाने हैं।
प्रोटीन किसमें ज्यादा है अगर हम बात करें तो, नॉन वेज सोर्सेज में बात करें तो एग वाइट सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट जो है सोर्स है प्रोटीन के लिए। इट्स अ लीन प्रोटीन, ठीक है, उसके अंदर 96% ऑलमोस्ट जो है प्रोटीन होता है, तो आप उसको खा सकते हैं, ठीक है। 4 से 6 एग वाइट्स आप पर डे ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, आपकी कितनी कैपेसिटी है खाने की आप उस अकॉर्डिंग जो ले सकते हो। योग नहीं खाना है, योग सिर्फ एक खाना है, ज्यादा एक से ज्यादा नहीं खाना है, क्योंकि उसका कुछ अलग साइंस है, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक से ज्यादा आप एक्सीड ना करें योग को, 4 से 6 वाइट आप जो है ले सकते हैं। जो लोग भाई वेजिटेरियन है वो लोग क्या करेंगे, आपको बढ़ानी है ड्राई फ्रूट्स की इंटेक, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स के अंदर आपको बादाम ज्यादा खाने हैं, वॉलट्स खाने हैं, ठीक है, फ्लैक्सीड आपको खाना है, और आपको जो है कैश्यूज खाने हैं। साथ ही साथ आप अपना डेयरी प्रोडक्ट्स बढ़ा सकते हैं, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, ठीक है, छाछ हो गया, गर्मियों में बहुत अच्छा है। प्रोटीन बढ़ाइए अपनी डाइट में, जिससे कि आपको क्योंकि प्रोटीन ही आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को, आपकी मसल्स को रिपेयर करता है, तो प्रोटीन आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है कॉलेजन के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो प्रोटीन अच्छा रहेगा, क्योंकि एक चीज होती है प्रोटीन में, प्रोटीन बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, उसमें एक लाइसिन होता है, लाइसिन बहुत ही ज्यादा असेंशियल है कॉलेजन के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो लाइसिन रिच चीजें खाएंगे तो कॉलेजन जल्दी बनेगा और स्कार्स जल्दी जो है हील अप होंगे। बहुत सारे लोगों को अभी ये चीज नहीं पता है कि स्कार्स क्या होते हैं और जो है एक्ने पिट्स क्या होते हैं। जिन लोगों को गड्ढे हैं उसको भी लोग जो है स्कार्स बोलते हैं, वो स्कार्स नहीं होते हैं, स्कार्स होते हैं जैसे डार्क स्पॉट हो जाते हैं आपको एक्ने के बाद में, जो रेड कलर का या ब्राउन कलर का जो स्पॉट हो जाता है वो है आपका स्कार, या आपको कोई कट लग गया है वो है आपका स्कार। पिट्स अलग चीज होती है, तो लोग पिट्स पे ये सब चीजें यूज करेंगे तो उनको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, पिट्स के लिए अलग ट्रीटमेंट है। इंग्लिश फूड्स की अगर बात करें तो विटामिन ए आपके देसी घी में है, आपके मीट के अंदर है जो रेड मीट होता है, आपके स्वीट पोटैटो जो शकरकंदी उसके अंदर होता है बीटा कैरोटीन की फॉर्म में, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो विटामिन ए रिच फूड्स आपके सामने मिल जाएंगे, आप उनका इंटेक जो है बढ़ा सकते हैं। ग्रीन टी पीना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, ग्रीन टी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है, स्कार्स में उसका कोई ऐसा रोल नहीं है, लेकिन आप यूज करना स्टार्ट कीजिए, उससे क्या होगा आपकी बॉडी अंदर से क्लीन अप होती रहेगी, डिटॉक्सिफाई होती रहेगी, जिससे कि आपके जो एक्ने की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। देखो यार, मेन फोकस हमारा एक्ने को स्टॉप ही करना है, क्योंकि एक्ने होते रहेंगे तो स्पॉट्स होते रहेंगे, ठीक है। आपने समहाउ कैसे भी अपने एक्नेस को स्टॉप कर लिया तो आपके स्कार्स भी धीरे धीरे जो है फेड अप हो जाएंगे बाय द टाइम, ठीक है। तो पूरा जो मेन फोकस है आपको अपने एक्नेस को स्टॉप करना है, तभी आपके जो स्कार्स हैं हील अप होंगे। अब आपको मैंने समरी में बताऊं तो आपको मैंने बताया है कि सैलिसिलिक एसिड का सीरम यूज करना है, ओमेगा 3 सप्लीमेंट यूज करना है, ग्रीन टी पीनी है, विटामिन ए का इंटेक बढ़ाना है, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, ठीक है। अब ये चारों पांचों चीजें जो है आप अगर कंबाइन करते हैं अपनी डाइट के अंदर, तो आप 2 हफ्तों के नहीं, आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर भी अपने स्कार्स को हील अप कर सकते हो, ठीक है। ये पूरी दुनिया का सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाइए इस चीज पे और कंज्यूम करना स्टार्ट कीजिए, आपकी स्किन ट्रांसफॉर्म होगी नेचुरली, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी प्रॉब्लम के। और आप फिर ये कर सकते हैं कि आप पूरी लाइफ एक ऐसी डाइट फॉलो कर सकते हो जिसके अंदर प्रोटीन थोड़ा सा हाई होगा, हेल्दी फूड्स होंगे जिसमें ग्रीन टी होगी, आपके ओट्स होंगे ये सब, और ओमेगा 3 सप्लीमेंट होगा। आप इस तरह की डाइट फॉलो कर सकते हो, वो आपकी स्किन के लिए अच्छी रहेगी, आपकी हेल्थ के लिए अच्छी रहेगी, आपके ब्लड शुगर के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, सब चीजों की एक दवा है वो है आपकी डाइट, ठीक है। सो आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी, बहुत सारा ज्ञान दे दिया। आई डोंट नो आप में से कितने सारे लोग फॉलो करने वाले हैं, लेकिन अगर आप में से कोई 1% लोग भी इस चीज को फॉलो कर लेते हैं उनको रिजल्ट मिलता है। सो जो मेरा वीडियो बनाने का जो पूरा जो मकसद है वो पूरा वर्थ होगा, और जो मैं अपना टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को वो भी वर्थ होगा, बिकॉज लोगों की लाइफ चेंज होनी चाहिए, लोगों की स्किन चेंज होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सब फॉलो करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरा स्किन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान ज्वाइन कर सकते हो इस ईमेल पे मुझे मेल करके, और इट्स अ पेड प्लान, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट रहेगा, तो वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो जो भी इंटरेस्टेड है वो मुझे मेल कर सकते हैं, लाइक जो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं अपनी स्किन से, फालतू के प्रोडक्ट्स उठा लेते हैं कि ये यूज कर लिया, वो यूज कर लिया, और रिजल्ट के नाम पे ये है उनके साथ में, तो उनको मैं गाइड करने के लिए बिल्कुल रेडी हूं। और एक पोल मैंने आप लोगों के साथ आज किया था कि अगर मेरा स्किन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की जो कॉस्ट है वो अंडर 1000 हो, सो आप में से कितने सारे लोग जो है इंटरेस्ट होंगे। सो अभी वो पोल 1 घंटे पहले मैंने किया है, लेट्स सी क्या रिजल्ट रहता है उसका। सो आज की वीडियो में तो सर इतना ही था, आई फील लाइक द वीडियो फॉर व्हाट्स योर रीजन प्लीज हिट द लाइक बटन, नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही कौन सा, तब तक के लिए आपका दिन
शुक्रिया।